I worked for 1 year in Shriram Finance, and after that I worked for 1 year with JP Morgan and Chase. Equities में गए, fixed income में गए, derivatives में गए, economics में गए, accounting में गए, हर चीज में हम लोग गए. तो as compared to other candidates, अब आपके पास वो benefit भी है. I could see जो questions आ रहे हैं, this is very well covered in my CFA exam. Hi all, my name is Shubham and I am a faculty in EdZep. I am teaching CFA here. So I'm here to talk about the difference or what is the key comparison between the MBA and CFA. उससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ. स्टार्टिंग विद द एकेडमिक थिंग्स दैट आई हैव डन. सो आई हैव डन माय इंजीनियरिंग. उसके बाद आई वर्क फॉर 1 ईयर इन श्रीराम फाइनेंस. फाइनेंस को लेके मेरा हमेशा से एक इंटरेस्ट था. तो मैंने अपना जो फर्स्ट काम शुरू किया, आई वर्क इन श्रीराम फाइनेंस. आफ्टर दैट मैंने अपनी MBA कम्प्लीट की from Xavier Institute of Management, Bhubaneswar. During my MBA, second year में ही I started preparing for CFA as well. Last year I completed CFA completely. Yeah, 1.5 years I worked in MSCI. There I worked as a risk analyst. And after that I worked for 1 year with JP Morgan and Chase. There I was working with the fixed income index team. तो चलिए आज के discussion पे आते हैं. What is the key difference between your MBA and the CFA? Since I have done both, तो थोड़ा मैं आपको इसके बारे में अच्छा बता सकता हूँ, बेहतर guide कर सकता हूँ. Talking about MBA first, तो आप सोचिए कि जब MBA हम करते हैं, फर्स्ट ईयर हमारा रहता है जनरल स्टडीज होती हैं. मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस में था, बट मुझे ऑपरेशंस भी पढ़ना पड़ा, मुझे मार्केटिंग भी पढ़ना पड़ा, ऐसे ही मुझे बाकी कोर्सेज भी करने पड़े. क्यों? क्योंकि MBA आपको तैयार करता है ओवरऑल बिजनेस संभालने के लिए. तो यहाँ आपकी MBA आपको बहुत मदद करती है. अलॉन्ग विद दैट, since you are studying with group of on the batch of your of class will consist of diverse students, to aapke paas jo networking ka strength rehta hai wo kaafi hota hai MBA ke case. But अब इशू कहाँ आता है, जब आप सेकंड ईयर में जाते हैं तब आप अपनी स्पेशलाइजेशन स्टार्ट करते हैं. एंड फॉर समवन लाइक मी, जो कि इंजीनियर था, उसके लिए काफी मुश्किल था कि फाइनेंस के उन कॉन्सेप्ट्स को उन डेप्थ में जा पाए. एंड दिस इज वेयर वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द CFA कोर्स. तो मैंने अपना CFA लेवल 1 वहाँ स्टार्ट किया. अब आते हैं डिफरेंस का, कि मैंने क्या क्या डिफरेंसेस वहाँ महसूस किए. मैंने देखा कि जब मैं CFA पढ़ रहा था तो पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस की तरफ था, राइट. एंड फाइनेंस को भी अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग लेंसेज से देखा जा रहा था, राइट. इक्विटीज में गए, फिक्स इनकम में गए, डेरिवेटिव्स में गए, इकोनॉमिक्स में गए, अकाउंटिंग में गए, हर चीज में हम लोग गए CFA में, राइट. वही हमारा मेन फोकस था CFA के केस में. नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूं, तो मेरे जो दोस्त थे, अगर मैं CFA पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो जो मेरे साथ CFA कर रहे थे, सिर्फ वही मैं उनसे ज्यादा इंटरेक्ट कर पाया. अनलाइक MBA, जहां पर मैं किसी से भी इंटरेक्ट कर सकता था. क्यों? क्योंकि हम सब MBA कर रहे थे. तो दिस इज द डिफरेंस दैट आई ऑब्जर्व, कि MBA में नेटवर्किंग का स्कोप अच्छा है, CFA में वो नेटवर्किंग का स्कोप थोड़ा चला जाता है. बट वो कैसे कंपनसेट होता है, जो आप नॉलेज गेन करते हैं और फाइनेंस में, वो आपको CFA में मिलता है. थोड़ा मैं अपनी और जर्नी के बारे में बताता हूँ, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं सेकंड ईयर में था MBA के, दिस इज वेयर आई स्टार्टेड विद माय CFA लेवल 1 प्रेप. मेरा मेन फोकस था कि क्योंकि अब इंटरव्यूज आने वाले हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, प्लेसमेंट्स चाहिए अच्छी. सो बिना किसी थॉट के मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू की CFA की. एंड दिस इज वेयर आई वॉज एबल टू क्रैक one of the best jobs that was in the campus, और वहाँ से फिर मेरा professional career start हुआ. One thing that I want to share, कि कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जहाँ I realized कि मैं बेहतर कर सकता था, and this is where I just want to share that with you. For someone who is a graduate, आज CFA के time पे, आज CFA ने वो scope कैसे improve किया, that right from your second year of graduation, you can start preparing for your CFA exams as well. मेरा आपको यही एडवाइस रहेगा कि ग्रेजुएशन के टाइम पे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए. एंड उसके बाद जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे इन योर रेज्यूमे शोज दैट यू हैव द कमिटमेंट, तो वहाँ पर आपको प्रोफेशनली इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. जैसे ही आप अपना वर्क एक्स बिल्ड करते हैं फाइनेंस की फील्ड में, अब अगर आप चाहते हैं MBA करना, नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, तो MBA में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहता है, एक कि आपको वो एग्जाम तो क्लियर करना ही करना है, कैट के लिए आपको पढ़ना है. कुछ कुछ कॉलेजेस अपने खुद के भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो एग्जाम्स तो आपको क्लियर करना है. उसके बाद एक राउंड होता है जहां आप इंटरव्यूज में जाते हैं और अपनी जो प्रोफाइल है उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है. नाउ दिस इज वेयर यू वुड गेट दैट बेनिफिट और एज ओवर ऑल द कैंडिडेट्स, कि अब आपने CFA जितना भी हो कर पाए, आप लेवल 1 अगर कर पाए, एंड उसके बाद अगर आपने रेलेवेंट जॉब या वर्क एक्सपीरियंस लिया है, तो एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स, अब आपके पास वो बेनिफिट भी है, जहां पर आप
अपने आप को प्रूव कर सकते हैं एंड आप एडमिशन ले सकते हैं इनटू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, एमबीए कॉलेजेस इंडिया में या इंडिया के बाहर भी. सीएफए का स्कोप बहुत है. तो दिस इज अबाउट व्हाट यू कैन डू इफ यू आर अ ग्रेजुएट स्टूडेंट. टॉकिंग अबाउट करियर परस्पेक्टिव, आई वुड से कि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से सीएफए हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज जहां पर भी इंटरव्यूज में आई यूज टू अपियर फॉर द इंटरव्यूज, आई कुड सी जो क्वेश्चन आ रहे हैं दिस इज वेरी वेल कवर्ड इन माई सीएफए एग्जाम. सो व्हाइल आई वॉज इंटरव्यूइंग फॉर जेपी मॉर्गन, वहां पे I just cleared my CFA level 2 exam और मैं level 3 की तैयारी कर रहा था. Just by clearing level 2 also, मेरा वहाँ पर interview काफी अच्छा हो पाया. So this is about comparison between CFA and MBA, right? I hope कुछ आप meaningful आज आपको पता चला हो. Thank you.